कि श्री कृष्ण की इतनी रानियां थी, उन्होंने इतनी रानियों से शादियां की, लेकिन आखिर उन्होंने जिनसे प्रेम किया उनसे शादी की या नहीं की। आज तक हमारे दिमाग में यही विचार है कि श्री कृष्ण और राधा की शादी नहीं हुई, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ज्यादा चौंकाने वाला रहस्य बताने वाले हैं कि आखिर सच में इन दोनों की शादी हुई या नहीं हुई, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हर किसी को तो यही लगता है कि श्री कृष्ण और राधा की शादी नहीं हुई। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं एक बार फिर से आपके साथ सानिका कौर, और देखिए हमारी ये रिपोर्ट। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म के लोग प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। राधा कृष्ण को एक प्रेम जोड़े के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो फिर सवाल उठता है कि राधा कृष्ण एक दूसरे से शादी क्यों नहीं की। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या वाकई राधा कृष्ण एक होकर भी एक नहीं हो सके। जी हाँ, शायद ही कोई लोग जानते हो कि आखिर कृष्ण भगवान की इतनी रानियां थी, उन्होंने सबसे शादी की, लेकिन राधा से शादी क्यों नहीं की, और हमेशा श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम ही क्यों जुड़ता है। श्री कृष्ण की तो इतनी पत्नियां थी, इतनी रानियां थी, उन्होंने इतनी रानियों से शादी की थी, लेकिन राधा ही क्यों ऐसी है जिनकी और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी इतनी ज्यादा प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण जो परम पिता परमात्मा है, जो सबके आराध्य हैं, जो भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और जिनकी शक्ति असीमित है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जानने के लिए हम सदैव उत्सुक रहते हैं। इस संसार में जब जब प्रेम कहानियों की चर्चा हुई है, भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी प्रेयसी जो उनका ही भाग है राधा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। परंतु इस विषय में एक प्रश्न सदैव उठता रहता है कि श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। श्री कृष्ण और राधा विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधे। इस प्रश्न के विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। चलिए आपको बताते हैं अलौकिक प्रेम कहानी। पौराणिक कथाओं में राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कहानी का विस्तृत वर्णन है, जहां एक और श्री कृष्ण को एक कूटनीतिज्ञ तथा प्रेमी के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं दूसरी ओर राधा को सदा श्री कृष्ण प्रेम में रमी हुई प्रेमिका के तौर पर दर्शाया गया है। ये बात सर्वोपरि है कि राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। ये सत्य है कि प्रेम और उम्र का कोई संबंध नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ उनका प्रेम पनपता रहा, परंतु उनका अलग हो जाना ही नियति का निर्णय था। राधा रानी और कृष्ण का केवल प्रेम का ही नहीं अपितु आध्यात्मिक संबंध भी था। यहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे आध्यात्मिक सत्य बताएंगे जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। जहां तक कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रश्न है, तो क्या ये सत्य है कि वो इस बंधन में नहीं बंधे? शायद नहीं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने ही करवाया था। पुराणों के अनुसार एक बार श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बचपन का आनंद उठा रहे थे। आकाश में तूफान के साथ बिजली कड़क उठी। नंद बाबा को किसी शक्ति का आभास हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये शक्ति स्वयं राधा रानी ही थी। राधा के आने के पश्चात कृष्ण ने बाल रूप से किशोर रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने इसी समय राधा श्री कृष्ण का विवाह करवाया। विवाह के समय राधा रानी की सखियां ललिता
और विशाखा भी उपस्थित थे। विवाह के पश्चात ब्रह्मा, राधा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण भगवान अपने मूल रूप यानी बाल रूप में वापस आ गए। परंतु राधा के विवाह के संबंध में पुराणों में एक और भी उल्लेख है। राधा का विवाह जटिला नामक एक गोपी के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। वो विवाह योग माया के कहने पर संपन्न कराया गया था, जिसके प्रभाव के कारण राधा और अभिमन्यु कभी एक दूसरे के समीप ना आ पाए। राधा कृष्ण के प्रेम और आध्यात्मिक संबंध को समझना असंभव ही है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद ने राधा कृष्ण के संबंधन को इस संसार से परे और मनुष्य की समझ से बाहर सर्वोच्च तथा अत्यंत सुंदर संबंध की संज्ञा दी है। चलिए आपको बताते हैं कि रुक्मणी और श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ। हमेशा से ही श्री कृष्ण के साथ देवी राधा का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में ये भी दिखाया था कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही हैं। लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौलिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, उसकी बड़ी अनोखी कहानी है और इसी कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियों सुनते हुए बीता। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी चिंतित थे। एक बार एक पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार के उदर्व वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मणी ने जब तस्वीर को देखा तो वो भव्य विभोर हो गई और मनी मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके विवाह में कठिनाई ये थी कि इनके पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया गया, तब रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वो उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्होंने रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण समझ आया कि रुक्मणी जी संकट में है। उन्हें संकट में निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई और रुक्मणी का अपहरण किया। रुक्मणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजवाया। इसे सुनकर रुक्मणी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गया। वहीं शिशुपाल और रुक्मी को पता चल गया कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है और रुक्मी बहुत क्रोध में आ गया और श्री कृष्ण भी निकल गए रुक्मी का वध करने के लिए। वहीं श्री कृष्ण जीत गए और श्री कृष्ण रुक्मी को लेकर अपने घर आ गए और यहीं से दोनों की शादी हो गई। जी हाँ, बाल रूप में ही ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा की शादी करवा दी थी, जिस बारे में श्री कृष्ण भी जानते थे और राधा रानी भी जानती थी। हालांकि तब राधा रानी बड़ी थी और श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप से उन्होंने युवा में रूप लिया था। बाद में फिर से उन्होंने बाल रूप ले लिया था। यही वजह थी जो उन्होंने अपने प्यार से शादी नहीं की। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।